R9 टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप सिंह पठानिया। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी। आपको बता दें, लगातार यहां सियासत गर्म है और बड़ी जो खबर आ रही है इस वक्त की, हरियाणा में बीजेपी में शामिल होंगे 3 विधायक। INLD को एक बार फिर से झटका लगने जा रहा है। नागेंद्र भड़ाना इनेलो से जो विधायक हैं बीजेपी में, आज औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा निर्दलीय विधायक भी हैं, रविंद्र मछरोली बीजेपी की राह पकड़ सकते हैं। उनका भी आज औपचारिक रूप से पार्टी में उनका विलय हो सकता है। BSP विधायक टेकचंद शर्मा भी थामेंगे बीजेपी का दामन। तो लगातार बीजेपी का दामन भरता जा रहा है और विधायक जो है लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जगदीश यादव इससे पहले जो कि मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, उन्होंने भी बीजेपी का हाथ थामा है। INLD को इससे पहले रामचंद्र कंपोज के रूप में भी झटका लग चुका है। और नसीम अहमद जो कि पहले INLD में थे, फिर कांग्रेस में आए, हालांकि INLD से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, वो भी बीजेपी की शरण में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 75 पार का जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए कड़ी मशक्कत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी कहीं एग्रेसिव मुख्तलिफ पार्टियों से नजर भी आ रही है।